शनिवार को बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में मासिक बैठक की गई, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि मासिक बैठक में नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव तथा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को जिताने के लिए भारी संख्या में मतदान बनाने तथा जीत हासिल कराने की बैठक की गई। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, अखिलेश यादव, संजय पासवान, श्याम देव मिश्रा, राघवेंद्र तिवारी, अशोक यादव, मैना भाई सहित अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, संजय पहलवान जी मोदी साहब वरिष्ठ नेता सभी सम्मानित हमारे हम सभी का मासिक बैठक में हार्दिक स्वागत। अभिनंदन किया है, चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। हमारे विधानसभा में जो नगर पंचायत है पार्टी का लिया चुनाव के संबंध में पार्टी नेता आपका निर्देश होगा। पार्टी मोदी चुनाव मैदान में कहा था कि अगर डॉक्टर मोहसिन साहब जैसे लोग 51 लोग मेरे पास हो जाए मैं प्रदेश में दोबारा ये समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक है जो हर महीने होती है, महीने के पहले शनिवार को होती है, जो उस समय के तत्कालीन एजेंडे होते हैं उसमें शामिल किया जाता है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक है जिसमें नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव और जो प्रदेश के सहित गोरखपुर जनपद में भी, जबकि VIP जिला है ये, और गाँव में भीषण बिजली कटौती चल रही है इस गर्मी में, और गेहूँ क्रय केंद्रों पर जो गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा है, आज की तारीख में किसान ये परेशान है कि एक तरफ मार्केट रेट पैरेलल में है तो ये साबित हो रहा है कि जो MSP किसानों को दिया जा रहा है वो कम है। तो इस सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आज बैठक कर रही है और लाइन ऑर्डर की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, साथ साथ गोरखपुर जनपद में लगातार हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं, अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं बैठक कर रहे हैं।